कब से विचार है आपके गांव में? 3 या 4 साल बहुत ज्यादा, बहुत पहले से। इसी मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, सुनिए मेरा बात। मेरे दादाजी हेडमास्टर थे, मेरे पापा को जो गांव के लोग बिगाड़ दिया है ना कि हम मत कहिए। मेरे पापा, पापा तो मेरे चाचा हॉस्टल में संत माइकल, आप लोग नाम सुनते होंगे संसरम के, संत माइकल में मेरे सुधीर चाचा पढ़ते थे, उनको भी यहाँ पर बिगाड़ दिया। अब मेरा भैया हॉस्टल में पढ़ रहा है, आज मेरा भैया हॉस्टल छुट्टी से आने वाला है विक्रमगंज बुनियादा अकेडमी में से, तो क्या मेरा भैया ये सब सुनेगा तो उसके पे ये परवाह पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, आपके चाचा भी पीने लगे हैं? हाँ, ये गांव इतना बिगड़ा कि हम क्या कहें। यही हाथ जोड़ती हूँ कि जो मेरे वीडियो को देख रहा है कि यही करे कि कार्रवाई करे और मेरे वीडियो को वायरल करे और सारी जनता और सारे थाना में ये वीडियो जाना चाहिए और गांव को जितना थाना भी प्रभारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं, यहाँ पर पी कर देखिए, वहाँ पर मेरे घर के बगल के हैं एक विनय नाम के लड़के हैं, वे अपने औरत के नथिया, नाक में के नथिया और अंगूरी में का रिंग भेज दिए हैं सोना का। तो सोचिए वो लड़की, उनके मतलब अभी 1 महीना का बच्चा हो रहा है, अब भी हुआ है 1 महीना, तो सोचिए उस पर क्या बीत रहा होगा। दिन रात रो रही है वे लड़की, और सारे पीने में बेच दे रहा है। हाँ, सारा बेच दे रहा है, समझ लीजिए। तो सिसपुरा थाना पर कंप्लेन नहीं की? क्या करे, सिसपुरा थाना खुद घुसखोर हो गया है, कहने भर ही न कहा जाएगा, मुँह से न कहा जाता है कि लाठी मार से कहा जाता है। संतोष चौकीदार है जो उनको तो 20,000 घुसखोर मिलता है। देखिए ये छोटा लड़का है, इसको देख लीजिए, ये भी है, सब लोग गाली देता है, इसमें से बहुत लगा बीड़ी पीने लगा। और बोलिए, गांव अच्छा है ना? थक गए, सूर्यपुरा थाना में कई बार हमने जाकर लिखित कंप्लेन किया, लेकिन यहाँ के थाना प्रभारी एक ठो यहाँ चौकीदार है संतोष पासवान नाम का, वो बेचवाता है यहाँ दारू। अच्छा। हाँ, हम लोग कहा कि यहाँ से उसको हटवाइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग तो क्या करें, लाचार होकर के इस गांव के जनता बैनर पोस्टर ले करके अपना जुलूस निकाला हुआ है। अगर ये बात पर वो थाना प्रभारी नहीं कुछ किए, विभाग से कुछ नहीं हुआ, आबकारी विभाग से, तो हम लोग पूरे जनता को लेकर डीएम और एसपी साहब को आवेदन देकर पूरा थाना को जाम कर देंगे और बाल बच्चा औरत मेहरारू से ले जा करके वहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। उत्पाद विभाग कहाँ कभी भी नहीं आया। अच्छा, ये बताइए, जब वहाँ से थाना चलता है तो यहाँ से माल हट जाता है, मालूम हो जाता है कि हटा दो यहाँ पुलिस जा रही है, ये कौन कहता करता है? चौकीदार करता है, और आकर यहाँ से पैसे तो वो करके ले जाता है। अच्छा जी, हाँ उसका सहभागी है इसमें, 20,000 मंथली मिल रहा है तो नहीं बेचवाएंगे? पैसा जब यहाँ से जा रहा है तो कहे करेगा? उत्पाद विभाग भी पैसा जा रहा है, अब जा रहा है तब ना, वो इतना जब चल रहा है, इसके पहले भी हम लोग उसको वीडियो बनाकर भेजे तो उत्पाद विभाग को तो मालूम होगा कि वहाँ इस तरह का काम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रदेव प्रसाद है। कारोबार के विरुद्ध उत्पाद विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और हम लोग इसके लिए पूरी तरह सजग हैं। हर महीने हम लोग शराब मद्य निषेध कानून का उल्लंघन करने वाले लगभग 200 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर रहे हैं और आगे भी सतत कार्रवाई की जा रही है। धर्मागतपुर का मामला हमारे संज्ञान में आया है और हम इसके लिए आपको बधाई भी देते हैं कि आपने हमारे संज्ञान में इसको लाया। हम लोग इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो थाना से सहयोग लेकर और इसको युद्ध स्तर पर चाहेंगे कि उस एरिया को पूरी तरीके से हम लोग नशा मुक्त कर सके और अपेक्षा करेंगे कि हमें मीडिया बंधुओं से भी अपेक्षित सहयोग मिले। धन्यवाद।